वहां जाकर के फिर सतम तरकुटी बजाने के बाद आपको परमात्मा दिखाई देंगे इस दास के रूप में। फिर वहां आपको एक ऐसी दिव्य दृष्टि देंगे कि आपको सतलोक दिखाई देगा। फिर आप डटे ना डटोड़े, क्योंकि वहां भी बहुत काल का मेला भरा होगा, कोई किधर जाने वाला। जैसे एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं ना सब आप अपने सामान लेकर, तो वहां पहुंचे पाछे भी काल बुलेगा। फिर वहां परमात्मा आपको दूरबीन देगा, वो दूरबीन मीन दिव्य दृष्टि देगा आपको। फिर एकदम आपको सतलोक का वो नजारा, और फिर यहां का लोकंदे लोक के वहां के स्वर्ग पुर्ग उन वास्ता नारा, फिर सीधा आपका टारगेट वहां हो जाएगा। जैसे या ये छोटी ट्यूब जग रही है, वर्षा के दिनों में ये बाहर से मच्छर जुगनू ये आ जाते हैं, कीट पतंग, इनके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, एक हाइलोजन जगा देते हैं दूरी पर, फिर वो सारे इनसे हटकर वहां वहां चले जाते हैं उस ज्यादा तेज रोशनी वाले पे, फिर वहां घूमने लग जाते हैं। तो वहां ऐसा होगा आपके साथ, वहां जाने के बाद आपको इस भक्ति के कारण आपकी विधिवत साधना और मर्यादा रहेगी गुरु जी के प्रति, जैसे आज सुबह के सत्संग बताया था। तो वहां जाने के बाद आपको एक दूरबीन, आपको एक दिव्य दृष्टि में लगी, फिर वहां आप गुरु जी के साथ चलोगे, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से वो देख लोगे कि ये कुछ भी कोई ना, वो बहुत बढ़िया लोक है, वहां चलेंगे। तो वो आस्था फिर रस्ते में भी आप गड़बड़ कर जाओगे जब गुरु जी के साथ नहीं रहे। तो गुरु जी का बीच में कनेक्शन आपने कट काट लिया, किसी भी कारण से आप दूर हो गए और भक्ति भी कर रहे हो, 100 जन्म लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते, या भूल मत करना। तो इस प्रकार हमने आखिरी श्वास तक अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा के तुल आस्था रखनी पड़ेगी, और वो नाजुक नाता, कोमल नाता बनाकर रखना पड़ेगा। कहते सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी काम से मारा टूट न जावे ने किसी बात से। कहते सतगुर के दरबार में नो थर थर कांपे देह, ना जाने किसी बात पर मारा टूट ना जावे ने किसी बात पर, प्रेम ना दुकम हो जा सारी ये बात बिगड़ जाएगी। अरे ये नाता ही प्रेम का है, आस्था बननी चाहिए अपने गुरुदेव में। गुरुदेव भगवान नहीं है, ये दास को पता है मेरी क्या औकात है, लेकिन आप जी ने इस दास को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा। जब आप गॉड परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग यह होगी, इस दास के रूप में वहां परमात्मा विद्यमान होंगे। पुणात्मा या अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना। और जैसे आपकी लगन आस्था भाव दोष विकार या अच्छा या सच्ची लगन वह न्यारी दिखेगी, वहां कोई छुपा नहीं सकता, आपके माथे में आ जाएगी। जिस तरह खेत में गेहूं बोते हैं तो उसकी बाली आ जाती अपने आप ऊपर समय आने पर, और एक अड़ंगा भी साथ ही उत्पन्न हो जाता है उसमें, वो खरपतवार उसके भी बाल आ जाती है। तो वो बाल और वो बाल बाली दोनों नारी नारी पहचानी जाती है, वहां पर जरूरत को ना फिर देखने की वो गेहूं है या खरपतवार है। तो इस भक्ति से शक्ति से और आज आपके अंदर विकारों से वहां अपने आप आपका शक्ति बाल निकला होगी, पता लग जाएगा कौन भक्त है कौन नहीं भक्त है। तो इसलिए पहले ही अपना यहां से सेट करना, रिहर्सल करने के लिए आप जी को यहां बुलाया जाता है, और जितनी श्रद्धा जितनी आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए भगवान पाने के लिए वह यहां बनाई जाती है।